गाड़ी वहाँ पार्क है। What's up guys, welcome back to my YouTube channel, it's about Arshad Saeed and you're watching Arshad Vlogs। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे गुवाहाटी में मैं बाहर क्यों निकला हूँ। सो ये अपने आप पे बहुत ही बड़ा सवाल है, तो मैं आपको कुछ बोलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्यों बाहर निकला हूँ। सो लेट्स गो। मैं आ गया हूँ MMCH हॉस्पिटल में, और MMCH हॉस्पिटल जो आपको दिख रहा है मेरे सामने, यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब कोरोना पेशेंट्स हैं जिनको रखा गया है। यहाँ पे डाउटेड है, सिम्टम्स है जिनमें, उनको भी रखा गया है, और मेरे भाई जो है छोटा भाई उसको भी यहाँ पे रखा गया है, अफजल को, मतलब क्वारंटाइन पर रखा गया है, अलग सेक्टर है पूरा। तो क्यों रखा गया है उसे, कैसे उसको क्या हुआ, क्या सिम्टम्स उसमें देखने को आया, मैं सब कुछ आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स गो। कितने दिनों के बाद आप निकल रहे बाहर? ऑलमोस्ट 16 दिन हो चुका है मेरा। और आपके एक्सपीरियंस थोड़ा बाद में हम लोग घर जाके शेयर करेंगे। सो गाइस, हमने अभी अफजल को ले लिया है गाड़ी पे, पीछे बैठा हुआ है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जैसे आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, अपने घर जाके अफजल को अच्छे से नहला कर हम लोग उससे बात पे आएंगे कि क्या उसके साथ क्या हुआ था, क्या मेडिकेशन उसके साथ हुआ था, क्या ट्रीटमेंट हुआ था, ये जो प्रॉब्लम इतने दिनों का उसको क्यों फेस करना पड़ा, ये जो पूरा प्रोसेस है हम लोग अभी आपको दिखाएंगे, बाकायदा हम लोग बताएंगे भी आपको। सो लेट्स सी, क्वारंटाइन में निकल रहा हूँ और यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ, तो लेट्स सी अभी घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद आपके साथ अभी फिर से इंटरेक्शन पे आते हैं। Eternity later. अफजल को लेके आके बहुत ही टायर्ड हो गए थे, इसको पूरा अच्छे से नहला के, मैं भी अच्छे से नहा के अभी हम लोग बैठे हैं थोड़ा बात करने। तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे मन में जो मैं अफजल से पूछना चाहूंगा कि भाई तुम्हारे अंदर मतलब क्या सिम्टम्स थे जो तुम्हें वहां तक जाना पड़ा, और क्यों तुम क्वारंटाइन पे खुद से गए या वो लोग अपने आप उन्होंने तुम्हें इन्वाइट किया, मतलब क्या प्रोसेस है, तुम अगर मुझे और मेरे व्यूअर्स को बता पाओगे तो अच्छा रहेगा। मेरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा कफ था, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा GMC में, जहाँ मेरा COVID-19 टेस्ट हुआ था, और मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुझे ले गए क्वारंटाइन सेंटर पे। क्वारंटाइन का पहला 6 दिन इसी रूम पे बीता। नो डाउट ये रूम बहुत ही क्लीन था, पर थोड़ा ओवरक्राउडेड था। ब्रेकफास्ट बहुत ही रिच दिया जाता था, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप पैक्ड मील जो बहुत ही फ्रेश रहता था, और उसके साथ पानी और जूस दिया जाता था जो हर रोज़ चेंज होता रहता था खाना, और बहुत ही टेस्टी होता था। उसके बाद हम आ जाते हैं एसेंशियल्स पे जो मुझे गवर्नमेंट से मिला, और जैसे कि आप देख सकते हो उसमें था एक शर्ट, एक तौलिया, एक इनरवेयर, एक अंडरवेयर, और बहुत सारे एसेंशियल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, कोलगेट, ब्रश, तेल एट्सेट्रा, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह, और बहुत कुछ था उस बॉक्स पे, ब्रश से लेके पूरा साबुन सब कुछ। और 7 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद मुझे ट्रांसफ़र किया गया था ICU में, जहाँ मैं अकेला था, और जो बहुत ही सुंदर था, और मुझे बहुत सारे NGO से बहुत सारा गिफ्ट्स मिलता था, और हैट्स ऑफ टू ऑल द वर्कर्स, ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द नर्सेस, उन्होंने इतना केयर रखा मुझे और सबको, जो लोग साफ सफाई करते हैं उनको भी, वो पूरा दिन PPE किट पहन के इतना जगह साफ करते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रहे थे कि इतना गर्मी लगता है कि पूरा अंदर से जब कपड़ा खोलते ऐसा लगता है मतलब अभी कपड़ा पहन के नहा के आए हैं, ऐसा गर्मी होता है उधर। और इसके लिए वही इस
जो महामारी का वही सुपर हीरो है, सुपर वॉरियर्स है। और थैंक्स टू असम गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, कि उन्होंने इतना फैसिलिटी दे के हमें क्वारंटाइन में रखा है, मतलब अबव योर एक्सपेक्टेशंस हुआ है। हाँ अच्छा, हर एक सिंगल चीज़ गिफ्ट से लेके खाने से लेके 24 आवर्स मिनरल वाटर गरम करके हर कुछ टाइम से टाइम पे मिल जाता था, दवाई भी वही देते थे। और एट लास्ट मेरा टेस्ट किया गया था, स्वैब टेस्ट, और जिसने मेरा नेगेटिव आया और उसके बाद आई वॉज रेडी टू गो होम। शायद ही आप लोगों का दुआ है, आप लोग बहुत ही प्यार करते हैं हमें। थैंक्स टू एवरीवन, आप लोगों के दुआ के वजह से आज मेरा भाई का पूरा आराम हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये एक्सपीरियंस जो मेरे भाई ने शेयर किया है ये कुछ यूजफुल होगा आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं ये वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड माय वीडियो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको तो पता है एवी के साथ जो भी एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता है। एंड अर्शद ब्लॉग साइनिंग ऑफ।